जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे होगी गाजा पट्टी। इसराइल ने बिल्कुल साफ कर दिया है, हमास और गाजा पट्टी का वजूद पूरी तरह से इसराइल खत्म कर देगा। लगभग 21 लाख की आबादी वाला गाजा पट्टी इस वक्त इजरायली सेना के बेहद सटीक और खौफनाक हमलों का सामना कर रहा है। इजरायल की वायुसेना के हवाई हमलों और मिसाइल हमलों ने हमास के दो टॉप कमांडर और उनके परिवारों को पिछले 18 घंटों में मार डाला है। इसराइल ने 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी में 700 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। इसराइल हमास के चीथड़े उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अब तक फिलिस्तीन के 1200 लोग मारे गए हैं, जबकि हमास के 1500 से ज्यादा लड़ाकों को इसराइल ने भून डाला है। कुल मिलाकर गाजा पट्टी में 5000 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हैं। लेकिन इस सब के बावजूद इसराइल अब जो करने जा रहा है उसे देखकर मुस्लिम देशों में खौफ पैदा हो गया है, क्योंकि इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने साफ आदेश दे दिए हैं, हमास का एक भी चरमपंथी बचना नहीं चाहिए। अब गाजा पट्टी जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे होनी चाहिए। हमास पर 180 डिग्री वाले हमले शुरू। इजराइल सेना 4 दिन बाद भी गाजा पट्टी में अपने 1 लाख सैनिकों को नहीं भेज रही, बल्कि गाजा पट्टी में खड़ी हमास की इमारतों को इजरायली एयरफोर्स निशाना बना रही है। अगर आप इस एनिमेशन से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको तस्वीर काफी हद तक समझ में आ जाएगी। जमीन पर खड़ी हमास की इमारतों को 90 डिग्री वाली इमारतें समझिए, लेकिन जैसे ही इजराइल के 180 डिग्री वाले हवाई और मिसाइल हमले हमास की इमारतों पर होते हैं, 90 डिग्री वाली हमास की इमारतें जमीन पर चारों खाने चित हो जाती हैं। इसलिए इसराइल कह रहा है कि हमास की हर इमारत को जमीन पर 180 डिग्री में बिछा रहे हैं, उन्हें तबाह कर रहे हैं। इसराइल का खूनी आदेश, हमास का सर्वनाश। गाजा पट्टी में इसराइल ने भयानक गदर मचाना शुरू कर दिया है। हमास के कमांडर और चरमपंथियों को चुन चुन कर इस वक्त इसराइल की स्पेशल फोर्स मार रही है। हालात ये हैं कि गाजा पट्टी इस वक्त पृथ्वी का नर्क बन चुका है। इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इजरायली सैनिकों को साफ आदेश दे दिए हैं कि गाजा पट्टी को इस तरह से तबाह करो कि मिडिल ईस्ट में गाजा पट्टी की पहचान ही खत्म हो जाए। इजरायली वायुसेना और स्पेशल फोर्स ने हमास के कई टॉप कमांडरों को मार डाला है। 1500 से ज्यादा हमास के लड़ाके सिर्फ 4 दिन में मारे जा चुके हैं। हमास की इमारतों को भी चुन चुन कर तबाह कर रहा है। أربع معاقين الدار اللي جنبها البيت هذا فيش إله أبوه أمه ماتوا هذا البيت أقسم الله العظيم إنه متدمر من جوا هذا البيت خد اطلع فيه كل بيوت اللي عم بكر تبيها تحت المنطقة هذه أو الحي هذا راحت كلها راحت خبر آ رہی ہے کہ غازہ پٹی میں اسرائیل کی بمباری زور شور سے جاری ہے اسرائیلی وایو سینا نے تازہ جانکاری میں کہا ہے کہ اس کے فائٹر جیٹ نے गाजा में एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर बमबारी की। इस्लामिक यूनिवर्सिटी को तबाह करने का ये वीडियो इजरायली वायुसेना ने खुद जारी किया है, जरा देखिए। हमास पर 180 डिग्री वाले हमले शुरू। इसराइल ने गाजा पट्टी पर तूफानी हमला और तेज कर दिया है। इजरायली एयरफोर्स का दावा है कि गाजा पट्टी के इस्लामिक यूनिवर्सिटी में हमास के इंजीनियरों को ट्रेनिंग दी जाती थी, इसलिए इस्लामिक यूनिवर्सिटी में भयानक बमबारी की गई है। इजरायली एयरफोर्स का दावा है कि गाजा पट्टी में मौजूद इस्लामिक यूनिवर्सिटी में हमास की एक राजनीतिक और सैन्य इकाई काम कर रही थी, जिसे तबाह कर दिया गया है। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इजरायल हमास को किस तरह से मटिया मेट कर रहा है। תוקפים בעזה קשה מאוד. כל מקום שאנחנו יודעים שיש פעילי חמאס, מנהיגי חמאס, גם אם יש מגבלות, תוקפים, צהל עובד נכון, הוא עושה את הדברים מדויק, אבל מאוד מאוד חזק.
इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि उसने हमास के राजनीतिक ब्यूरो के एक टॉप कमांडर और हमास के राष्ट्रीय संबंध मंत्रालय के प्रमुख को मार डाला है। हमास के पहले कमांडर का नाम जकरिया अबू मेम्र है, जबकि मारे गए हमास के दूसरे टॉप कमांडर का नाम जवाद अबू शमाला है। इस बीच इसराइल ने हमास के मिलिट्री विंग अल कासम के सुप्रीम कमांडर मोहम्मद देईफ के रिश्तेदारों के घर पर भी बमबारी की है। टाइम्स ऑफ इसराइल में छपी खबर के मुताबिक इन हमलों में हमास मिलिट्री कमांडर के भाई, भतीजे और पोती की जान गई है। इसके अलावा इसराइल ने हमास के 475 रॉकेट सिस्टम और 73 कमांड सेंटर भी ध्वस्त कर दिए हैं। यहाँ तक कि गाजा पट्टी में मौजूद इस्लामिक यूनिवर्सिटी को भी इसराइल के फाइटर जेट्स ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इसराइल पूरे गाजा पट्टी को जमीन के नीचे दफन कर देना चाहता है और इसलिए हमास की सभी इमारतों को गिराते हुए 180 डिग्री जमीन पर गिराया जा रहा है। ولا إشبال لا شقة ولا ما ولا محل كل هذا انتسف خلال أربع ساعات أو ست ساعات كانوا اليهود قاضيين علينا تقريبا كان يخبطوا كل صاروخ بينه وبين الثاني دقيقة أو 40 ثانية بادوا المنطقة ولا إشبال كنا محاصرين 30 شخص جوا العمارة جوا البدرون. हमास को इसराइल के हमलों में भारी नुकसान हुआ है, फिलिस्तीन के हजारों नागरिक घायल हुए और मारे जा रहे हैं। इसराइल ने गाजा में ऐसा गदर मचाया है कि 21 लाख से ज्यादा आबादी वाले गाजा से लोग भागने लगे हैं। इस बीच ये भी खबर आई है कि इसराइल के रक्षा मंत्री स्पेशल फोर्स को खुली छूट दे रहे हैं और कह दिया है कि हमास को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जो भी करना पड़े वो करो, लेकिन हमास को हमेशा के लिए साफ कर दो। इसराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने साफ कहा है कि हमने हमास के इलाकों पर अपना कंट्रोल कर लिया है, अब हम हमास पर पूर्ण हमला करने जा रहे हैं। इसराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कहा, गाजा कभी भी उस स्थिति में वापस नहीं आएगा जैसा वो था। गैलेंट ने इजरायली सैनिकों से कहा है कि आप गाजा को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखते हैं और आप इसे बदल दीजिए। टाइम्स ऑफ इसराइल ने एक रिपोर्ट में गैलेंट के हवाले से ये भी लिखा है कि गैलेंट ने कहा, हमास ने जो सोचा था हम वही करेंगे और सब कुछ 180 डिग्री बदल जाएगा। इसराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने साफ कर दिया है कि इसराइल के डिफेंस फोर्सेज जब हमास पर अंतिम हमला करने जा रहे हैं, इसीलिए अगले 24 से 48 घंटे गाजा पट्टी और हमास के लिए भयानक हो सकते हैं। इसराइल ने साफ कर दिया है कि गाजा पट्टी में युद्ध कई महीनों तक चल सकता है। द टाइम्स ऑफ इसराइल की एक रिपोर्ट के अनुसार इसराइल ने सेना को आदेश दे दिया है, जहां भी हमास के चरमपंथी और मददगार मिले उन्हें तुरंत जान से मार दो। कुल मिलाकर पूरा गाजा खून के आंसू रो रहा है। अब देखना होगा हमास कब तक इसराइल से मुकाबला कर पाता है।